Hi friends, my name is Ruchika. I welcome you to the English Academy. This is our series of discussion of idioms and phrases. Idioms which we know as muhavre. Here we will discuss some well-known idioms in the English language and how you can use them in a more effective way. Our today's idiom is add fuel to the fire. Over here, we'll discuss the meaning of this idiom, then I'll talk about the origin of this idiom, and then we'll discuss some example sentences. Add fuel to the fire. सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. Add fuel to the fire का मीनिंग ये है, to make a bad situation worse, to do or say something that causes more trouble, makes someone angrier. तो क्या मीनिंग हुआ इस idiom का? आप किसी बुरी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा कर देते हैं. कोई हालात जो पहले से ही खराब है उनको वर्स कर देना मींस और ज्यादा एड अप कर देना, मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना, या फिर कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसी बात बोल देना जिससे आपकी ट्रबल्स, आपकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ऑलरेडी वो गुस्से में है और उसके गुस्से को बढ़ा देना. अब देखते हैं कि ये जो idiom है ये originate कैसे हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई. This expression was used by an ancient Roman historian Livy. एक Roman historian थे, वो history लिखते थे, उनका नाम था Livy. उन्होंने सबसे पहले इस expression को add fuel to the fire को इस्तेमाल किया था. और इसका क्या मतलब है, क्या logic है इस idiom की? If a fuel like wood or oil is added to a burning fire, it burns hotter and brighter. अगर आप जलती हुई आग में लकड़ी डाल दें या फिर तेल मिला दें तो क्या होता है, आग और ज्यादा गंभीर हो जाती है और ज्यादा गर्म हो जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसान क्या कर रहा है, ये तेल की बोतलें आग में डाल रहा है और उससे क्या हो रहा है, आग की लपटें और ज्यादा बढ़ रही हैं. सो फायर बेसिकली रिप्रेजेंट्स एनी काइंड ऑफ ट्रबल. किसी भी मुसीबत को, किसी भी नेगेटिविटी को आप फायर का नाम दे रहे हैं. एंड एनीथिंग विच मेक्स द ट्रबल वर्स इज अ फ्यूल. कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात जिससे आपकी जो परेशानी है, मुसीबत है, वो बढ़ जाती है, वो बात, वो काम एक फ्यूल है, एक फ्यूल है उस परेशानी के लिए, क्योंकि वो उस परेशानी को बढ़ा रहा है. ऐसा ही एक और सिमिलर एक्सप्रेशन है, टू फैन द फ्लेम्स. फ्लेम्स क्या होती हैं? ये लपटें. इन पे जब आप हवा देते हैं, पंखा झेलेंगे अगर आप इनके ऊपर, तो क्या होगा, आग की लपटें और ज्यादा तेज हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन, एड फ्यूल टू द फायर. Now let us see some example sentences जहां पर आप इस idiom को use कर सकते हैं. He was already angry with you. यानी कि वो पहले से ही तुम्हारे साथ गुस्सा था. Your coming late to office has added fuel to the fire. जब तुम office late आओगे तो क्या होगा, boss का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा. यानी कि तुम्हारा office late आना is a fuel to the fire, क्योंकि इसने बॉस के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है. एक और एग्जाम्पल सेंटेंस है, द मिनिस्टर्स असैसिनेशन ड्यूरिंग दिस टेंस एटमॉस्फेयर हैज एडेड फ्यूल टू द फायर. आप कहना चाहते हैं कि पहले से ही टेंशन का माहौल था और उसके साथ क्या हो गया, मिनिस्टर की असैसिनेशन हो गई, उसका खून हो गया, और उस वजह से एटमॉस्फेयर की जो टेंशन है वो बढ़ गई. तो एक मुसीबत थी जो वो और ज्यादा बढ़ गई, और इसीलिए ये जो मिनिस्टर की असैसिनेशन है, दैट हैज एडेड फ्यूल टू द फायर. एक और एग्जाम्पल है, राम्स मदर इज एंग्री विद हिम एंड देयर कंप्लेंट्स आर एडिंग फ्यूल टू द फायर.
राम की मॉम पहले ही उसके साथ गुस्सा है और उन लोगों की जो शिकायतें हैं राम के खिलाफ वो क्या कर रही हैं, वो इस आग में और ज्यादा फ्यूल डाल रही हैं, इसको और ज्यादा बढ़ा रही हैं, उसकी मम्मी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। एक और सेंटेंस है, हर गॉसिप इज एडिंग फ्यूल टू द फायर एज दे आर ऑलरेडी नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। इस सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ बात नहीं कर रही और दूसरी लड़की उसके साथ गॉसिप कर रही है, यानी कि चुगली कर रही है, और उसकी चुगलियों से क्या हो रहा है, उनकी जो आपस में नाराजगी है वो बढ़ रही है। एंड दैट इज वाई हर गॉसिप इज एडिंग फ्यूल टू द फायर। पहले से ही उनके आपस में ट्रबल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, और उसकी गॉसिप उस ट्रबल को बढ़ा रही है। I hope this idiom is clear to you, the meaning and how to use it in the sentences. Thank you for watching this video, and for more such videos, do subscribe to our channel, English Academy.